अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज लालीज़ किचन में बन रहे हैं मिनी शवरमे। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक कप मैदा ले लिया है। एक कप मैदे में ये आधा चम्मच जो है वो नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच चीनी है और ये एक से डेढ़ चम्मच ईस्ट है। इसके बाद जो है मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और एक अच्छी सी डो बनाऊंगी, जिससे हम फीटा ब्रेड बनाएंगे। पानी डालते हुए हम एक अच्छी सी डो बनाएंगे। इस तरीके कार से आप अपने घर में फीटा ब्रेड बाजार जैसी बहुत अच्छी सी बन जाती है। आप देखिएगा, इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे तो बाजार जैसी फीटा ब्रेड बना लेंगे। सारी सी डो एक तरफ करके रख ली हमने, सिमट गई है। इस पर हल्का सा ऑयल लगा के और इसको 35-45 मिनट्स के लिए रेस्ट दे लेंगे। अब ये शवरमा की चिकन तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने और थोड़ी सी चिकन डाल दी है। ये चिकन का एक फुल ब्रेस्ट है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। वही एक पूरा ब्रेस्ट लेके इसे मैंने काट लिया है। थोड़ा ये सा नमक चला गया इसके अंदर, आधी चम्मच ये रेड चिली फ्लेक्स चला गया, थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच इतना ही धनिया। इन सब चीज़ों को डाल के और अच्छी तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। बाकी का मसाला मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। रेडी हो चुकी है। इसमें एक जो है मैंने चिली गार्लिक सॉस की आधी प्याली भर के डाल दी और आधी ही प्याली मैंने मायोनीज की डाल दी है। इसके बाद थोड़ा सा ये चीज़ है मेरे पास, इसको थोड़ा गर्म गर्म में क्रश करके डाल दूँगी। ये गरम गरम में चीज़ को और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे ना, तो फिर जब फीटा ब्रेड बना के लगाएंगे। अब इसके बाद वो खीरे को और शिमला मिर्च को, ये बनाया है मैंने एक बाउल में, नमक और सिरका और पानी शामिल किया हुआ है। इन सब चीज़ों को मैं अब मिक्स करके और इस बाउल में इसको मैं डिप करके रख लूँगी सिरके वाले पानी में। अब ये जो हमने वो गून के रखा था फीटा ब्रेड का मैदा, ये हो चुका है। इसके लिए हम अब प्रिपरेशन करेंगे। इसकी रोटी की शक्ल में बेल लूँगी। ली मैंने अब इसके बाद जो है, अगर आपके पास जो भी कटर हो, मेरे पास ये है, इससे मैं इसके मिनी साइज़ की फीटा काट लूँगी जो है 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी मैं। इस तरह नॉन स्टिक पैन पे हल्की हल्की आंच पे पका लेंगे। इसको नॉन स्टिक पैन पे ही पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इस पर आराम से, ये देखिए ये पीटा ब्रेड, जितनी देर आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही ये राइज होगी। मुझे तो मिनी बनाने थे इसलिए। और एक ये भी है कि आप इस तरीके से भी इसको सेक सकते हैं। देखिए फुली फुली सी बन जाएंगी, ये फुली सी तैयार हो गई। फीटा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस पर अब मैंने सबसे पहले लगाया चिपोटले सॉस, बहुत गर्म हो रही है इसलिए हाथ पे नहीं लिया जा रहा मुझसे। इसके बाद मैंने इसमें लगाई थोड़ी सी चिकन और फिर हम इसमें लगाएंगे थोड़ी सी ये वाली जो हमने अभी सिरका लगा के वेजिटेबल रखी थी, इस वेजिटेबल को चाहे तो देखिए ये हो गया एक तैयार। ये देखिए हमारे मिनी शवरमे तैयार हो चुके हैं। कैसे लगी आपको ये वाली रेसिपी? अभी तो आपको फिलहाल देखने में बताइए कैसे लगी, फिर आप ट्राई करके बताइए कि कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।